दिल्ली से 114 किलोमीटर की दूरी पर स्थित मथुरा जिले के अंदर ब्रिजधाम 84 कोस में बसा बरसाना बहुत विशेष है। विशेष इसलिए क्योंकि यही वो स्थान है जहां भगवान कृष्ण और राधा रानी ने गोपियों और बाल सखाओं संग लीलाएं रची थी। बरसाना में राधा रानी का विशाल मंदिर है जिसे लाडली महल के नाम से भी जाना जाता है। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। श्री धाम बरसाना से मैं श्याम सुंदर गोस्वामी, सेवायत श्री राधा रानी मंदिर बरसाना। हम आज जहाँ खड़े हैं वो स्थान एक ऐसा दिव्य स्थल है जहाँ श्री राधा रानी की परम कृपा है, और जो आप मेरे पीछे भी देख रहे होंगे यहाँ आज भी ठाकुर जी और किशोरी जी की नित्य लीलाएँ होती हैं। बरसाना उत्तर प्रदेश में मथुरा जिला है जहाँ भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ। उसी मथुरा में बरसाना वृंदावन और गोवर्धन के पास में पड़ता है। ब्रज श्री कृष्ण और राधा रानी की लीला नगरी है, इसलिए यहाँ के स्थानों से लेकर पर्वों तक के भाग उन्हीं से जुड़े हैं। होली भी इसी क्रम में शामिल है। एक ओर दुनिया भर की होली और एक तरफ ब्रिज धाम की होली। होली का जो असीम आनंद ब्रिज में आता है वो और कहीं नहीं मिल सकता। सिर्फ होली खेलने का ही नहीं बल्कि फाग के गीत और ब्रिज की होली के भजन सुनने भर से जो अनुभूति होती है उसे व्यक्त करना अत्यंत कठिन है। सारे लोग अलग अलग तरीके से आ रहे हैं, कोई कहीं से आ रहा है, और बहुत अच्छा एक माहौल बना हुआ है। मैं कानपुर से अपने मित्रों के साथ बरसाने आया हूं, और यहां आके मैं देख रहा हूं कि बरसाने की जो सड़क है, रंगीली गली है, कुंज गली है, और ये राधा रानी का जो मंदिर है उसके आसपास की जो सड़कें हैं, ये भारत के ही नहीं विश्व के अलग अलग भागों से, देशों से लोग आए हैं, और यहाँ आके लड़का लड़की का भेद मिट जाता है। यहाँ सभी गोपी भाव में हैं, और यहाँ नहीं समझ में आता है कि कौन लड़का है कौन लड़की है। यहाँ सिर्फ कृष्ण पुरुष है, बाकी सभी गोपी भाव में हैं। बरसाने में प्रचलित धार्मिक व पौराणिक कथाओं के अनुसार द्वापर युग में बरसाने से होली खेलने का निमंत्रण लेकर सखियों को नंदगांव भेजा गया था। राधा रानी के पिता वृषभानु जी के इस न्योते को कान्हा के पिता नंद बाबा ने हंसकर स्वीकार किया, और नंद बाबा ने एक पुरोहित जिसे पंडा भी कहा जाता है उनके हाथों एक निमंत्रण का स्वीकृति पत्र भेजा। जब पुरोहित स्वीकृति पत्र लेकर नंदगांव से बरसाने आए तो उनका बहुत आदर सत्कार किया गया। उन्हें खाने के लिए थाल में रखकर लड्डू दिए गए, साथ ही साथ बरसाने की गोपियों ने पुरोहित को गुलाल लगा दिया। क्योंकि पुरोहित के पास गुलाल था ही नहीं तो उन्होंने थाल में रखे लड्डुओं से ही गोपियों को मारना शुरू कर दिया। ऐसा कहा जाता है कि तभी से ये परंपरा व लीला लड्डू होली खेल के नाम से जग विख्यात हो गई, जिसे आज भी बरसाने और नंदगांव के लोग निभाते आ रहे हैं। कहते हैं कि होली की इस परंपरा की शुरुआत राधा रानी द्वारा की गई थी। बरसाने में राधा रानी संग उनकी सखियों, और नंदगांव में ठाकुर जी यानी श्री कृष्ण और उनके ग्वालों के मन में ऐसा कुछ करने की उमंग जागी और इस अनोखी प्रथा की नींव डाली गई। राधा रानी और उनकी सखियां होली का निमंत्रण लेकर नंदगांव जाती हैं, और अगले दिन सजे संवरे ठाकुर जी अपने ग्वालों के साथ बरसाना पहुंचकर
प्रेम भरी इस होली का आनंद लेते हैं। जहां एक ओर उत्साह से भरी बरसाने की गोपियां नंदगांव के ग्वालों की प्रतीक्षा करती हैं, तो वहीं दूसरी ओर नंदगांव के ग्वाले प्रिया कुंड के पास इकट्ठा होकर एक दूसरे की पगड़ी बांधते हैं। जिनकी नई नई शादी हुई होती है वो अपनी पगड़ी पर कलंगी लगाकर सजते संवरते हैं और शाम को बरसाना पहुंचते हैं। नंदगांव के ग्वाल बालों के लिए बरसाने की गोपियां आज के दिन जो लड्डू होली है इस दिन फाग आमंत्रण या निमंत्रण लेकर नंदगांव के लिए जा चुकी हैं। अब तक उनके पास निमंत्रण पहुंच चुका है। संध्या समय पर यहां पर महल में श्री लाडली जी के वो आएंगे और नंदगांव का पाड़ा यहां पर पद होगा, नंदगांव को पाड़ो ब्रज बरसाने आए, और ठाकुर जी के ग्वाल बालन को और ठाकुर जी को जो बरसाने की ब्रज गोपी हैं वो उनको गारी सुनाएंगी। पदों के माध्यम से गाली दी जाती है, सुनावत गारी बाला हा, सुनो तुम नंद के लाला हा। इसी प्रकार बहुत सारी गारी के पद हैं, गावे दे दे तारियां, हो ब्रज की नारियां सुकुमार, हो ब्रज के लाल में, हो ब्रज के चंद में रसगार। प्रचलित मान्यताओं के अनुसार लड्डू होली के दिन सुबह बरसाना की राधा न्योता लेकर नंद भवन पहुंचती हैं, जहां सखी रूप राधा का धूमधाम से स्वागत किया जाता है। होली खेल रहे राम सरकार, राम रंग बरस रहा। होली खेल रहे राम सरकार, राम रंग बरस रहा। फिर नंदगांव से शाम के समय पुरोहित रूपी सखा को राधा रानी के महल भेजा जाता है, जो होली के निमंत्रण को स्वीकार करते हैं और फिर उनका लड्डुओं से आदर सत्कार किया जाता है। लड्डू होली खेलने से पूर्व श्रीजी मंदिर में लाडली जी को लड्डू अर्पित किए जाते हैं, तथा फिर दर्शन और होली खेलने आए भक्तों पर लड्डुओं की बौछार की जाती है। इस होली को खेलने के लिए करीब 40 से 50 टन लड्डुओं की बौछार की जाती है। इसके ठीक अगले दिन लठमार होली खेलने का आयोजन किया जाता है। मैं उत्तराखंड ऋषिकेश से आया हूँ, रामानुजाचार्य की पीठ है, मैं उसकी सेवा करता हूँ। ये होली जो है सनातन धर्म, हिंदू धर्म, विश्व की विजय है। आज के दिन एक राक्षसी होली नाम की राक्षसी थी जो प्रहलाद को मारना चाहती थी, किंतु स्वयं जल के समाप्त हो गई। वो सनातन धर्म की विजय है, हिंदू धर्म की विजय है। ये लड्डू महोत्सव जो होता है, हमारे ब्रज की एक संस्कृति है कि हवसुर कार में हम लोग लड्डू बांटते हैं। जब जन्म होता है तब भी भजन गाया जाता है, लाडली प्रगट वहीं आज ब्रज में लड़ुआ बटे, यहाँ पर लड़ुआ कहते हैं। तो आज शुभ ये होली महोत्सव है, इसमें हिंदू धर्म की विजय के दिन हम लोग पहले होली महोत्सव में लड्डू की होली खेलते हैं। लड्डू बड़ा मंगलमय माना जाता है। 108 किलो लड्डू उत्तराखंड से दिल्ली से आया है, इसको हम खोल के दिखाते हैं। ये श्री जी का भोग लगा हुआ लड्डू है, कहीं किसी के पैरों में ना पड़े इसलिए प्लास्टिक में इसको रख करके दिया जाता है, और जिससे रंग में खराब ना हो। और इस लड्डू के साथ ये एक रुपया भी है, ये धन का प्रतीक है। जिसको एक रुपया ही मिल गया, साल भर उसके पास धन की कोई कमी नहीं रहेगी। 5000 वर्ष से यही स्थिति यहाँ की रहती है। ब्रज की संस्कृति सदैव बदली, भगवान कृष्ण द्वारिका भले ही चले गए पर हमारी राधा रानी सदैव ब्रज में रहीं और यहाँ से छोड़ करके नहीं गईं। इसलिए हमको राधा रानी के ऊपर गर्व है और हम लोग उनका महोत्सव और सब जगह से ज़्यादा आनंद से मनाते हैं। मैं नितिन मंगल हरिद्वार से आया हूँ, और आज राधा रानी के बुलावे पे लड्डू होली वाले दिन बरसाने में लड्डुओं को लेके लड्डू होली खेलने आए हैं। हर साल हमारी लाडली जी जो बरसाना में उसी अटारी में निवास करती हैं,
उन्होंने हर साल हमें बुलाती हैं और लड्डू होली खेलने के लिए हम यहाँ पे आते हैं। ये हमारे लड्डू हैं और हम ऐसे फेंक रहे हैं। बोलिए राधा रानी की जय। राधे राधे सभी को, मैं गोविंदा और हम दो दिल्ली से आए हुए हैं बरसाने की होली खेलने, एंड जो कि बहुत ही ज़्यादा पवित्र एंड बहुत अच्छी मानी जाती है। हर साल आते हैं यहाँ पे, राधाष्टमी पे भी आते हैं, हर साल दर्शन करते हैं हम लोग यहाँ पे आके। बस हमारी लाडली जी के प्यार है जो हमें खींच लाते हैं यहाँ पर, हमारी लाड़ो रानी है, हमारी श्री जी हैं जो हमें यहाँ तक ले आती है हमें। प्रत्येक वर्ष लोग होली के दौरान राधा कृष्ण के प्रेम में सराबोर होकर होली खेलते हैं तथा होली के भजन गाते हैं। ब्रज रज धार अपने मस्तक पे ब्रज भूमि को करे परनाम, हे राधा रानी मेरा तुमको मंदिर प्रांगण में भगवान कृष्ण और राधा रानी के प्रेम में मग्न होकर भक्त नाचते गाते हैं। बताया जाता है कि इस परंपरा का पालन द्वापर युग से लेकर आज तक किया जा रहा है। बरसाने में किसी पुरुष का आना अलाउड ही नहीं है। यहाँ जिसने प्रवेश कर दिया वो स्वतः ही ब्रज गोपी के भाव में कन्वर्ट हो जाता है या परिवर्तित हो जाता है। यानी वृंदावन के वृक्ष को मर्म न जाने कोई और डार डार और पात पात में राधे राधे होए। मेरा नाम अमन, अमन सखी। महारानी की इतनी कृपा है, लाडली की इतनी कृपा है कि वो हमें अवसर देती हैं यहाँ पर आने का और अपने परिवार में हमारे को जोड़ती हैं। हमको बहुत इस चीज़ की खुशी होती है। हमारी फीलिंग्स अलग है तो वैसे ही हम सखी रूप में रहते हैं, ठीक है, और हर साल आने का मन करता है हमारा और हर साल ही आते हैं। माता रानी से यही दुआ रहेगी कि हम हर साल ही आएं। आदे विराज में होरी रे रसिया, होरी रे रसिया बर जोरी रे रसिया, रसिया बर जोरी रे रसिया, आदे विराज में होरी रे रसिया। राधा रानी के दरबार में मैं पहली बार आई थी और उम्मीद करती हूँ कि मैं हर बार आऊंगी होली खेलने राधा रानी के दरबार में, और इतनी भीड़ थी, इतनी भीड़ थी मैं बता नहीं सकती, मैं भूल गई सब कुछ कि इतनी भीड़ भी हो रही है। राधा रानी का दरबार इतना प्यारा लग रहा था। बोलो राधे रानी की जय। मैं वृंदावन में सखी हूँ, अष्ट सखी के साथ में एक सखी हूँ जो मैं अपने कान्हा को रिझाने यहाँ आई हूँ। शायद मुझे यहाँ कान्हा की प्राप्ति हो जाए, इस वजह से कान्हा के दर्शन हो जाए, उनकी चरण रस धूल जो है वही मिल जाए, शायद राधा रानी के दर्शन हो जाए, इस कारण मैं यहाँ आती हूँ। सखी भाव ये बचपन से है मुझे अंदर से कि मैं एक ना एक दिन सखी बनूँ, अपने कान्हा को रिझाऊँ, और आज वो जो दिन है वो मेरे लिए आज का दिन है जो आज मैं सखी बनी हूँ और मैं मेरे कान्हा के लिए आई हूँ और उनका दर्शन पाया है, राधा रानी ठाकुर जी का दर्शन किया है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अंदर से मन, तन और रोंगटे सारे बिल्कुल एकदम तृप्त हो चुके हैं। कपाट खुलते ही मंदिर में लड्डू मार होली का उत्सव शुरू हो जाता है। इस दौरान भक्त श्री जी के दर्शन कर उन्हें गुलाल और लड्डू अर्पित करते हैं। इसी के साथ लड्डुओं की होली खेलने वाले श्रद्धालु इन्हें लूट कर खाते भी हैं।
लड्डुओं की होली के अवसर पर करीब 40 से 50 मन लड्डुओं की बौछार देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं पर की जाती है। श्री जी मंदिर में लाडली जी को लड्डू अर्पित किए जाते हैं और उसके बाद लड्डुओं की बौछार की जाती है। हम हर साल बरसाना में हमारे यहाँ पे दो समाज बैठाए जाते हैं, एक होली समाज और एक राधा अष्टमी पर समाज बिठाया जाता है। होली पर ये दृश्य रहता है हमारे बरसाना में, सारे रंग उड़ाते हैं, रंग लगाया जाता है और बरसाने में हमारे यहाँ पे समाज बिठाया जाता है लड्डू मार होली पर। मैं लड्डू मार होली देखने आया हूँ क्योंकि वो राधा रानी जी की बहुत प्रिय है, ठाकुर जी की बहुत ज़्यादा प्रिय है और हमारे कुंज की भी बहुत प्रिय है, तो मैं इनको लड्डू मार होली खिलाने लाया हूँ बरसाने मुंबई से। मैं बॉम्बे से, मेरे सारे घर वाले दिल्ली से आए थे यहाँ पे लड्डू मार और लट मार होली खेलने के लिए, और बहुत किलो लड्डू हम लोगों ने तैयार किए इस होली के लिए और बहुत सारा रंग लेके आए। इसके बाद बरसाना में लट मार होली खेली जाती है। इसमें महिलाएं पुरुषों पर लाठियां बरसाती हैं और पुरुष हंसते हुए ढाल से अपना बचाव करते हैं। इस अनूठी होली को देखने के लिए भी सैकड़ों की संख्या में लोग बरसाना आते हैं। इस होली का आनंद लेने हर साल हजारों विदेशी पर्यटक भी ब्रिजधाम आते हैं। बरसाना में लठमार होली के अगले दिन नंदगांव में लठमार होली खेली जाती है। तो देखा आपने किस तरह राधा रानी और कान्हा की प्रेम भरी इस होली से पूरा ब्रिजधाम झूम उठता है। संसार की सबसे अनोखी होली के लिए प्रसिद्ध बरसाने में कई दिनों तक होली खेली जाएगी। यहाँ की होली के हर रंग से रंगने के लिए तैयार रहिए। आपसे मिलेंगे अगले एपिसोड में कुछ नए रंगों और किस्सों के साथ।